राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ ने बुधवार को कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपकर लैब टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। संघ के जिलाध्यक्ष प्रभु सिंह चौहान ने बताया कि लैब टेक्नीशियन की भर्ती 2016 से बंद पड़ी है, जबकि पूरे राजस्थान में 6373 पदों में से 3500 पद अभी भी खाली हैं। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की गई। अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ प्रदेश के आह्वान पर जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चल रही है 2013 से, उसमें जांच की संख्या में करीब 3 गुना 4 गुनी बढ़ोतरी हुई है। उसके बावजूद जब ये जांच योजना शुरू हुई थी उस टाइम जो स्टाफ लैब टेक्नीशियन लगे हुए थे, आज की परिस्थिति में भी कई लैब टेक्नीशियन रिटायर हो गए हैं और उनके बावजूद अभी भी सरकार ने कई तरह की जाँचें जनहित में जनता को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई है, परंतु उसके अनुसार अभी भी लैब टेक्नीशियन के कहीं भी पद नहीं भरे हुए हैं। हम एक सरकार से आह्वान करते हैं कि तुरंत ही लैब टेक्नीशियन के जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए।